क्या FIA के इम्तिहान में वैक्सीन लगवा के जाना जरूरी है? मैंने तो सर अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई, अगर वैक्सीन लगवानी है तो कौन सी लगवानी है? वैक्सीन लगवा के ही इम्तिहान में बैठने देंगे वरना इम्तिहान में नहीं बैठने देंगे? सर रिटर्न इम्तिहान कब आएगा? सर मैंने फिजिकल पास कर लिया है, मुझे क्या करना चाहिए? रिटर्न इम्तिहान में कौन से सवाल आएंगे? क्या हमें SMS आएगा? क्या हमें मैसेज आएगा? वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, मेरा स्टेटस शो नहीं हो रहा जबकि मैंने तो फिजिकल पास कर लिया है? बहुत से आपके सवाल, बहुत सी आपकी क्वेरीज और बहुत से आपके इबहाम रोजाना मैसेज व्हाट्सएप। मैंने बताया हुआ है व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज, तो फिर इस पर अवॉइड करें, आपको कोई जवाब नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब के मराहल से किस तरह से गुजरना है जो उस जॉब के लिए डिफाइन है, सेट पैटर्न क्राइटेरिया। तो आप इस वीडियो को गौर से देखा करें, स्किप मत किया करें, एक एक लाइन पे गौर किया करें, 10 मिनट की वीडियो होती है, पूरे सब्र के साथ इसको देखा करें मुकम्मल, हो सकता है किसी एक लाइन को आप पकड़ लो और कामयाब हो जाओ, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं। तहरीरी इम्तहान सर कब होगा और किस तरह से होगा? तो देखिए इसमें जो है आपके अभी फिजिकल चल रहे हैं, तो तहरीरी इम्तहान आपके अप्रॉक्सीमेटली आपके 2 महीने तक तहरीरी इम्तहान होंगे, 2 माह तक आपके पास टाइम है, अप्रॉक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ, हो सकता है 1.5 माह से शुरू हो जाए, ये फिजिकल पे डिपेंड कर रहा है। बहुत से बच्चों के फिजिकल हैं, लाखों लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो जितने फिजिकल के मराहल गुजर जाएंगे उसके बाद फिर आपका रिटर्न शुरू होगा। आपको कमिटमेंट और डिवोशन के साथ दिन रात तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत से बच्चे बड़ी देर से मेरे साथ अटैच हैं, मेरे पास अकेडमी में तैयारी भी कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज में और नोट्स भी लेके उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं। बहुत से बच्चे आप में से कहते हैं सर नोट्स जो हैं वो दे दें जी, फलां कर दें जी, MCQs देखिए 600-700 MCQs उठा के कहीं से कॉपी पेस्ट करके आपको दे दूं, उसमें से 15-20 आ जाए, 22 आ जाए, आप फेल हो जाओ, ऐसा काम मैं बिल्कुल नहीं करता। मैंने अपने नोट्स में हर चीज मुकम्मल आपको बताई हुई है, हाउ टू गेट सक्सेस, कामयाबी कैसे हासिल करनी है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी है, मटेरियल कैसे है, MCQ कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। तो आप बड़ी मामूली फ़ी के साथ वो नोट्स ले सकते हैं, कामयाबी की सक्सेस की कुंजी है, याद रखिएगा। ये जो मोस्टली स्टूडेंट है ना, ये जो समझ रहे हैं कि एक किताब पढ़ के हम FIA में भर्ती हो जाएंगे, नामुमकिन है, गौर से सुन लेना, मुकम्मल कमिटमेंट और डिवोशन से पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत सी चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी, 98 टॉपिक्स जो मैंने बताए हुए हैं वो तैयार करने हैं गौर से। जो बच्चे नोट्स ले चुके हैं उन पर दिन रात काम करें, जिन्होंने नहीं खरीदे खरीदे, काम करें इस पर, आप कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह ताला। कामयाबी का सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि क्या ये पेपर इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा? बहुत से बच्चे सर ये तो इंग्लिश में होगा जी, फलाँ होगा जी, देखिए आपको मैं बड़ी क्लियर कट चीज़ें बताता होता हूँ, पता नहीं आपको समझ क्यों नहीं आती बातों की। इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपका पेपर MCQs का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, तो उसमें इंग्लिश कहाँ से आ गई? आपको जवाब आना चाहिए हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ हंगरी, उसका नाम सिर्फ आपने लिखना है, नीचे 4 नाम लिखे हुए हैं, सिर्फ एक नाम को टिक करना है, तो इसमें इंग्लिश और उर्दू कहाँ से आ गई? हो सकता है इस्लामियात के सवाल उर्दू के सवाल उर्दू में ही आ जाएं, इस्लामियात के सवाल उर्दू में पूछ लें, बाकी सारा इंग्लिश में होगा, लेकिन वो सिर्फ आपसे पूछा होगा, MCQs होंगे, आपने सिर्फ उसको टिक करना होगा। विच वन इज़ द पार्लियामेंट ऑफ हंगरी, विच वन इज़ द पार्लियामेंट ऑफ फिजी, आपने सिर्फ उसको टिक करना है, सिंपल। तो इसमें इंग्लिश और उर्दू कहाँ से आ गई भाई? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको जवाब आना चाहिए, इसलिए आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पेपर हल कर लेते हो, इसमें इंग्लिश और उर्दू को छोड़ दो। बार बार बच्चे आप में से सवाल करते हैं, पूछते हैं सर ये इंग्लिश में होगा उर्दू में होगा, आपको समझ नहीं आती बातों की। तहरीरी इम्तहान का सर हमें कैसे पता चलेगा? क्या हमें SMS आएंगे, वेबसाइट काम नहीं कर रही, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, फला नहीं हो रहा? तो देखिए आपको जिस तरह से पहले फिजिकल का पता चला था, इसी तरह से रिटर्न का भी पता चल जाएगा, डोंट यू वरीड अबाउट इट। आपको इसमें आसानी के साथ SMS आएंगे, वेबसाइट पे आएगा, SMS आएंगे, आप उसको रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करोगे, आपको जगह तैनात हर चीज़ बताया जाएगा, स्पेस टाइम जगह वक्त हर चीज़ बताई जाएगी, आप वहाँ जाके एग्जाम दोगे। फिर उसके बाद आपका सवाल आ जाता है कि क्या ये सर कंप्यूटर पे होगा या हार्ड कॉपी पे होगा? तो देखिए जैसे भी हो इसको आप छोड़ दो, हो सकता है कंप्यूटर पे हो सकता है हार्ड कॉपी पे हो, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ले रहे हैं सॉफ्टवेयर पे ही होगा, लेकिन हो सकता है कैंडिडेट की कमी बेशी तादाद, ऊपर नीचे कुछ चीज़ें, कुछ इक्विपमेंट्स ना हो, कंप्यूटर ना हो, सेट इतने ना हो, वगैरह वगैरह, वेबसाइट काम ना करे, लाइट ना आए, हो सकता है बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं,
तो इसलिए हो सकता है हार्ड कॉपी पे हो जाए। आप इन चीज़ों में मत पढ़ो, आप सिर्फ अपनी तैयारी करो कमिटमेंट और डिवोशन के साथ, फजूल टाइम ज़ाया मत किया करो। मैं अक्सर जवाब यही देता हूँ व्हाट्सएप के, बेटा फजूल टाइम ज़ाया नहीं करना, आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हो और सिर्फ बातें करते हो, अमल किया करो। आपके जो आबा थे, आपके अबाजदाद थे, वो अमल किया करते थे, आप सिर्फ बातें करते हो। बहुत सी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह मोटिवेशन पे, आपको बताऊंगा कि क्या होता है, काम कैसे होता है, कामयाबी कैसे हासिल करते हैं। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, याद रखिएगा। कोई बंदा आपको प्लेट में रख के नहीं देगा घर आके, जनाब ये ले लें जी खा लें जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको खुद से मेहनत करना होगी, स्मार्ट वर्क करना होगा, चिल्ला काटना होगा, कमिटमेंट और डिवोशन के साथ पढ़ना होगा, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। मैंने सुना है वैकेंसीज कैंसिल हो गई हैं जी, माशाल्लाह बहुत से बच्चे आप में से जैसे बैठे हुए हैं ना, जो र्यूमर्स फैला रहे हैं, ये सब बकवास है, अफवाहें हैं, कोई वैकेंसीज कैंसिल नहीं हुई, रूटीन में सारा काम हो रहा है और सारा कुछ हो रहा है। बहुत से बच्चे आप में से कह रहे हैं जी वैकेंसीज विक गई हैं जी, सेल हो गई हैं जी, मैंने सुना इतने लाख की वैकेंसीज है जी, बकवास है ये सारा कुछ, र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं। हर काम मेरिट पे होगा, एक नंबर होगा इंशाल्लाह ताला, और हर चीज़ पे नज़र रखी हुई है, हर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, मीडिया ने, हर चीज़ ने, कोई हेरा फेरी नहीं होगी और मेरिट ही होगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग कमिटमेंट और डिवोशन के साथ तैयारी करते रहे, इन चीज़ों पे मत ध्यान दें। ये वो मायूस लोग होते हैं जिन्होंने खुद कुछ नहीं करना और दूसरों को भी कुछ नहीं करने देना। आपने इनकी बातों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी, अपना फोकस, अपनी स्टडी, अपना टारगेट, उसको जहन में रखें, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। सर तैयारी कहाँ से करनी है, कोई एक बुक बता दें। माशाल्लाह जी, मशहूर ज़माना आपका सवाल, कोई एक बुक नहीं होती, मुकम्मल तैयारी करनी होती है पुत्र जी। 98 टॉपिक हैं, उनको तैयार करो, मेरे नोट्स में जो चीज़ें बताई गई हैं उन पे काम करो, दिन रात मेहनत करो, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर इसमें तो जो है वो सिलेबस है जी, वो पाक स्टडी है, इस्लामियात है, जनरल नॉलेज है, बस इंग्लिश है, फलाँ है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पोर्शन आप हैं, इनमें से आगे कहाँ से सवाल आएगा आपको नहीं पता। वो जो टॉपिक हमने बनाए हुए हैं वो इसीलिए पूरी मेहनत करके, पूरी ज़िंदगी का नचोड़ वो चीज़ें आपसे बनाई हुई हैं आपके मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के लिए, और ये नोट्स जो हैं वो सारे के सारे आपके काम आएंगे हर एग्ज़ाम में। स्टडी एक मुकम्मल प्रोसेस होता है, उसको आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, टाइम टेबल के साथ, कमिटमेंट डिवोशन के साथ, जो जो जॉब आए उसमें आप अप्लाई करते जाओ, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि 10 दिन में आपने पढ़ लिया, 15 दिन, एक महीना पढ़ लिया, जाके पेपर दे दिए, फेल होकर घर आ गए और कहा जी सिफारिश चल गई है जी, जैसे मैं कहता होता हूँ। और पाकिस्तान है जी, काम ही ऐसे होता है, जो लिस्ट आ जाती है जी फलां के दफ्तर से लिस्ट, ये बकवास है सब। जो बच्चों ने आप में से पढ़ा होता है, मेहनत की होती है, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनसे जाके पूछेगा कितने पैसे दिए हैं, वो तो बेचारे पैसे देने वाले ही नहीं है, वो तो बेचारों के पास सिफारिश ही कोई नहीं है, वो कहाँ से सिफारिश लाएंगे, वो कहाँ से पैसे लाएंगे, वो तो गरीब आदमी थे सारे। उन्होंने सिर्फ मेहनत की और आपने बातें की, वो कामयाब हो गए, आप फेल हो गए। आप जितनी मर्जी र्यूमर्स फैलाते रहो कि जी फलां होता है जी पाकिस्तान में, फलां होता है पाकिस्तान में, हर काम मेरिट पे होता है इंशाल्लाह। जिसके अंदर जितनी जुर्रत, ताकत, हिम्मत, करेज और कमिटमेंट होती है वो ले लेता है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमा रहा है आप और मैं कौन, हम कौन है। रब्बे कायनात का हुक्म है कि जितनी कोशिश करता है मैं उसको उतना ही देता हूँ, तो इसलिए आपको मेहनत करना होगी, चिल्ला काटना होगा, याद रखिएगा। तो इसलिए ये कभी मत सोचें कि जी मुझे को 500-700-1000-600 के सही से MCQ मिल जाए, मैं उसको रटल और उसमें से पेपर आ जाए, रटी रटाई चीज़ें कर लूँ, बिल्कुल नहीं। कमिटमेंट और डिवोशन के साथ मुकम्मल स्टडी करनी है। इट्स नॉट अ सिंगल बुक गेम, कहीं से भी सवाल आ सकता है। बुखारी शरीफ के राइटर कौन है जी, आपसे सवाल हो सकता है। फिजी के सदर कौन है जी, आपसे सवाल हो सकता है। चेकोस्लोवाकिया की करेंसी का क्या नाम है, आपसे सवाल हो सकता है। इंडिया के बॉर्डर की लंबाई कितनी है, आपसे सवाल हो सकता है। तिब्बत क्या है, लामा किसको कहते हैं। समंदर के अंदर सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, खुश्की के ऊपर कौन सा है, कौन सा जानवर सबसे तेज भागता है। बहुत सी चीज़ें, कहीं से भी मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ये सारी मिसालें दे रहा हूँ, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अमूरे कश्मीर का वजीर कौन है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, मतलब मुख्तलिफ सवाल आपसे आ सकते हैं। पाकिस्तान के साहिलों की लंबाई कितनी है, MCQs हैं, कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है। कोई इंग्लिश की ग्रामर आपसे पूछ सकता है, इन ऑन एट कहाँ होता है, वावल्स किस लफ्ज से शुरू होते हैं, फ्लाह करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए हमने वही सारी की सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं नोट्सों में, जो सवाल जहाँ से आते हैं, ये कोई प्रेस्क्राइब सिलेबस नहीं होता। MCQs का पेपर याद रखिएगा मुश्किल होता है, अगर आपको नहीं आता तो तुक्के से कभी ये पेपर हल नहीं होता। उन लोगों के लिए बहुत आसान होता है जिन्होंने
तैयारी की होती है उनको पूरी फौरी तौर पे पता चल जाता है, जो 4 अक्षर नीचे लिखे होते हैं उनमें से एक सही होता है उसको वो टिक कर देते हैं सिंपल। लेकिन वही टिक करेंगे जिन्होंने मेहनत की हुई है, जो 1 महीना पढ़ के 10 दिन पढ़ के कहते हैं ना जी ना मैं तो पेपर दे आऊँगा तो फलां हो जाएगा तो उसके बाद फिर आके फेल होकर वापस आकर बातें की, वो बंदे नहीं, क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए जी इसका आपको मैसेज आएगा। और दूसरी बात ये कि जो मेरी आज की वीडियो का थंबनेल है कि वैक्सीन लगवा के जाना कि नहीं, तो देखिए इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, FIA की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवा के ही उसी इम्तहानी सेंटर में आना है। अगर कोई ऐसी बात हुई तो आपको इंशाल्लाह वीडियो के जरिए बता दूंगा, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है कि वैक्सीन वाले को ही एग्जाम में बैठने दिया जाएगा, दूसरे को नहीं बैठने दिया जाएगा, ये ऐसी अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। तो आप कमिटमेंट और डिवोशन के साथ मेहनत कीजिए जी, कामयाबी इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगी ज़रूर। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय पाकिस्तान, जिंदाबाद।